हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अभी जो करंट में सबसे बड़ा मुद्दा है ना, अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्कीम और तोड़ क्या है, इन सब के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जगह जगह देश में हर जगह पर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, ठीक है। धारा 144 लगी हुई है हर जगह पर, ठीक है। तो अब इन सब विरोध क्यों हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कहां तक विरोध सही है, कहां विरोध गलत हो जाता है, उन सब चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको ज्यादा इसके अंदर डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ रखा होगा कि अग्निवीर स्कीम है क्या, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बात बता देता हूँ कि अग्निवीर स्कीम एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अगर आप लोगों के दिमाग के अंदर भी अगर किसी ने कुछ भर दिया है ना कि अग्निवीर स्कीम गलत है, एक बात बताओ यार, कोई इंसान गलत स्कीम कैसे बना सकता है। सामने वाला वहां पर जो बैठा है, जो स्कीम्स को तैयार कर रहे हैं वो कौन होते हैं, हमारे जैसे आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो उसके बाद आईएएस बनेंगे, ठीक है। वही क्या कर रहे हैं, इस चीज को तैयार कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद इस चीज को कि गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये चीजें पास होती है, एंड देन ये सब चीजें कहां आती है, अपने मतलब लागू होती है, इंप्लीमेंट होती है। और इतना सब क्या उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, हर चीज के बारे में सोचा है उन्होंने, ठीक है। तो वो सब चीजें भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहां थोड़ी सी चूक हुई है गवर्नमेंट से, वो भी हम बात डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसके बारे में अपने को डिटेल ले लेनी है कि है क्या अग्निवीर स्कीम। देखो, अग्निवीर स्कीम है क्या, सबसे पहली बात, अग्निवीर स्कीम के अंदर क्या हुआ है कि जो 17.5 मतलब कि 17.5 साल का कोई भी एक लड़का, ठीक है, और वो कब तक, 23 साल तक, ये क्या है इसकी एज क्राइटेरिया है कि भाई मिनिमम कितना होना चाहिए, 17.5 साल, एंड देन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 23 इयर्स, ठीक है। अब यहां पर ये जो मिला है, पहले 21 इयर्स था, ये कल शाम या परसों शाम को ही क्या है, एक ऑर्डर आया है, उसके अंदर आपने जो विरोध किया है उसके अंदर आपकी 2 साल और बढ़ा दी गई है, 23 ईयर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या कहा है कि आप लोगों को जैसे आप रिटायर हो जाओगे इस जॉब से, टीओडी या फिर आप जो भी अग्निवीर स्कीम है, इसके बाद जैसे ही आप रिटायर होते तो आपको क्या मिलेगा, 10% का रिजर्वेशन मिलेगा हर एक जॉब के अंदर। ये भी आपके जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उनसे मिल रहा है, ठीक है। एंड देन 2 टाइम इन ए सिंगल ईयर, इसका मतलब क्या है कि ये जो अग्निवीर स्कीम है इसके अंदर क्या होगा, ये 1 साल के अंदर 2 बार क्या होगी, भर्ती होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें समझने की है, यहाँ पर एक चीज समझो आप। देखो हर साल में क्या होगा, यहाँ पर 4 साल के अंदर क्या होता है, आपका रिटायरमेंट होगा। तो देखो सरकार ने क्या किया है कि पहले साल के अंदर कितने लोग लेंगे, 1 लाख लोग लेंगे मान लीजिए, क्योंकि 46,000 इन ए सिंगल टाइम, तो 1 साल के अंदर कितने टाइम होगी, 2 बार, तो 1 साल के अंदर वो कितने भर्ती कर रहे हैं, 1 लाख लोग भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। 1 लाख लोगों को 1 साल के अंदर भर्ती कर रहे हैं, तो आप ये भी तो सोचो कि 4 साल में कितने लोग हो गए, 4 लाख, 4 लाख लोग। और सबसे बड़ी बात कि इसमें फायदा बहुत है, अपना ही नहीं, गवर्नमेंट का, अपने देश का बहुत फायदा है, ठीक है। गवर्नमेंट यहां से, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट यहां से पैसा बचा रही है, लेकिन कहां जाएगा वो पैसा यार, उसी से कोई अच्छी चीजें तो खरीदेगी ना। अपने जो वेपन्स के मामले में अपना भारत कहां पर है, आप लोग जानते हो, मानते हैं कि आर्मी के अंदर भारत की जो सेना है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन वेपन्स के मामले में कहां। आजकल युद्ध किससे हो रहा है, टेक्नोलॉजी से युद्ध हो रहा है भाई, कोई नहीं कर रहा, एक एक छोटा सा कोई भी साइंटिफिक कोई भी बॉम्ब वगैरह बनाया और डाल दिया, कहां आर्मी काम आई है वहां पर। बॉर्डर का युद्ध जो पहले था वो अब है नहीं, उस चीज को चेंज करने की जरूरत है। तो इसीलिए क्या किया है कि अपनी जो आर्मी है उसको कम नहीं किया, और सबसे बड़ी बात कम कहां कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं कि जो आप एक बात समझो इस बात से कि अगर आप 18 साल या 19 साल की उम्र में आप आर्मी के अंदर भर्ती होते हो और 23 साल की उम्र तक आप तो वहां पर रहते हो, तो इट मींस जो अपने भारत देश के अंदर जो आर्मी के योद्धा है ना, वो सारे के सारे कैसे होंगे, जवान खून के होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, ठीक है, वो मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे, पेट्रोलिज्म कहाँ आता है। अच्छा भाई, आप लोग अगर 25 से ऊपर हो जाते हो, आपकी शादी वादी हो जाती है, तो आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो वो जो जुनून होता है ना वो नहीं हो पाता, क्योंकि घर वाले बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है।
इन सब के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। अब जो चूक हुई है गवर्नमेंट से उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी पेंशन का मुद्दा बड़ा चल रहा है भाई, मेन बात क्या है कि पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि पेंशन क्यों नहीं मिल रही और पेंशन मतलब कहां तक ये चीज सही है और कहां तक ये चीज गलत है साबित हो जाती है, ये सब चीज भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है भाई कि 4 साल की नौकरी है केवल, तो 4 साल कम थोड़ी ना है। 4 साल की उम्र एक बार सोच के देखो आप, अगर 4 साल आप नौकरी करते हो और आपके पास 20 से 25 लाख रुपए आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है एक आदमी के ऊपर, एक टीओडी के ऊपर, मतलब एक जो आपका अग्निवीर है उसके ऊपर 1 करोड़ का खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, जबकि एक नॉर्मल जो फौजी होता है उसके ऊपर 11 करोड़ का खर्चा होता है। यहां से गवर्नमेंट एक मतलब जो फौजी है उसके ऊपर से 10 करोड़ रुपए बचा रही है, ठीक है, और उनका क्या करेगी, नए नए स्कीम्स वगैरह लॉन्च करेगी, जो भी अपने पॉवर्टी लेवल देख रहे हो आप, करप्शन वगैरह के बारे में सोच देख रहे होगे तो बहुत नीचे है, वहां पर क्या करेगी, इन चीजों पर इन्वेस्ट करेगी, वो खुद के हाथ में थोड़ी ना लेगी, ठीक है, और चीजें समझते हैं। उसके बाद आ जाओ, अब सबसे बड़ी बात आती है विरोध के ऊपर, क्या आती है विरोध के ऊपर भाई, विरोध करना बिल्कुल आपके फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं आपको, बहुत तगड़े आप विरोध कर सकते हो और खूब जोर जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर क्यों जा रहे हो भाई, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है ना, उन्होंने आपको विरोध करने का अधिकार दिया है, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया आपको, आर्टिकल 19A और आर्टिकल 19C स्पेशली बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन लेकिन डिग्निटी के साथ, लेकिन आप किसी भी चीज को, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या नहीं पहुंचाओगे, हार्म नहीं पहुंचाओगे, ये कौन सा भाई, ये कौन सा प्रोटेस्ट कर रहे हो तुम, प्रोटेस्ट चल रहा है भारत के अंदर, ट्रेनें जला दी गई है, छपरा के अंदर देखा होगा, बिहार के अंदर ट्रेनें जला दी गई है, और वहां पर तो अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक बेचारा कोई इंसान है, पूरे एक इंसान है ना, जब एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी इंसान जब एक गाड़ी लेके आता है ना तो अपने पूरे पुश्तों की लगा देता है, सारी इनकम लगा देता है और उस गाड़ी को जला दिया, भाई तुम्हारा कुछ नहीं गया, उस बंदे का पूरे पूरी जिंदगी की कमाई गई उस गाड़ी के अंदर, तो कहां तक ये चीजें, कहां तुम जाके यार किसकी सेवा करने वाले हो, देश की सेवा करने वाले हो तुम, देशभक्त हो, कहां से देशभक्ति नजर आ रही है यहां पर आपको, अधिक आपको प्रोटेस्ट करना है करो ना, किसने मना किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम्हें फंडामेंटल राइट्स दे रहा है तो आपको डीपीएसपी सॉरी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो फॉलो करनी पड़ेंगी, उसके अंदर साफ तरीके से लिखा हुआ है कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं वो खुद की प्रॉपर्टीज समझ के आप उनका क्या करोगे, उनको सेफ गार्ड करोगे, कहां कर रहे हो आप सेफ गार्ड, आर्टिकल 51A नहीं पढ़ा, तो उन सब चीजों को देखो ना यार, आप सिर्फ खुद खुद का देख रहे हो, ठीक है। अब आती है पेंशन की बात, ठीक है, पेंशन की बात आती है भाई, पेंशन इस टाइम पे गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे रही क्योंकि जो पेंशन का खर्चा होता है उसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें, मतलब एक स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 और 2020 के अंदर, 1 rank 1 pension, उसके अंदर क्या था कि जो इंसान 2020 के अंदर रिटायर हो रहा है तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, जबकि तो जो इंसान 2002 के अंदर रिटायर हुआ था उसकी पेंशन बहुत कम होगी क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम थी, तो सैलरी के अकॉर्डिंग क्या मिल रही थी, पेंशन मिल रही थी। लेकिन फिर क्या किया गया कि 2019 में एक नई स्कीम लेके आएगी 1 rank 1 pension, इसके अंदर जो 2019 के अंदर जो इंसान क्या हुआ है रिटायर हुआ है उसको जितनी पेंशन मिलेगी उतनी ही पेंशन 2002 के रिटायर पर्सन को मिलेगी, ये चलता जा रहा था, ठीक है। अब उस चीज के अंदर क्या हो रहा था, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खर्चा एक्सपेंडिचर बढ़ चुका था जिसके कारण गवर्नमेंट और दूसरी उस चीज में सोच ही नहीं पा रही थी। एक बात बताऊं आपको कि 4 साल के अंदर है ना गवर्नमेंट तुम्हें इतना वो इंप्रूव करके भेज रही है, आप लोगों को पता नहीं है शायद, आप लोगों को इग्नू इंदिरा गांधी जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उससे आपका क्या करवाएगी, बीएससी या जो आपकी ग्रेजुएशन है वो करवाएगी, 4 साल के अंदर आपको एक ट्रेंड फुली ट्रेंड करके भेजेगी, जो आर्मी के वीर है उनके लिए फुली ट्रेंड करके भेजी, और भाई तुम उन 75% जो 100 में से 25% लोगों को ले रही है आर्मी उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे, उन 25% में आओ, अगर नहीं भी आ पा रहे हो चलो मान लिया कि भाई नहीं आ पाते हैं अपन 25% के अंदर तो वो बात भी सही है क्योंकि हर कोई तो आएगा नहीं उसके अंदर, 75% तो निकल नहीं है, तो 75% निकल रहे हैं तो आपको उस टाइम तक आपको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे,
आपको सरकार 15 लाख रुपए दे रही है, आप कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास तो डायमेंशंस खुली है भाई, आपके पास तो पैसे पैसे है। उस टाइम पे सोचो ना, आपके पास जो इंसान उसी ये ही उम्र होती है, आप कोई स्टार्टअप ग्रो कर सकते हो या फिर और कुछ सोच सकते हो आप, क्योंकि आपको माइंड इतना डेवलप करके भेजेंगे वो कि आप कोई भी डायमेंशन में जा सकते हो। आपको एक अच्छी उम्दे वाली नौकरी दे रहे हैं वो, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हैं, आपके पास पैसा होगा, घर वाले थोड़े अच्छे से, जो घर वालों की स्थिति है वो अच्छी सुधर जाएगी, सब चीजें बहुत ही अच्छे से होंगी। मेरे को जो इस पूरी स्कीम के अंदर जो ड्रॉबैक लगा, जो कमी लगी, वो सबसे बड़ी कमी ये लगी है कि जिन बच्चों ने अभी अभी गवर्नमेंट ने जो पहले नौकरी निकाली थी उसके अंदर फिजिकली फिट कर लिया, मेडिकली फिट हो चुके हैं, एंड देन उसके बाद उनको क्या नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि उस स्कीम को क्या कर दिया, उस भर्ती को क्या कर दिया है, पूरी तरह से डिसमिस कर दिया है। यार इसके बारे में तो जरूर सरकार को सोचना चाहिए, और अगर आप लोग चाहते हो कि यार इसके बारे में सोचे तो आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन विदाउट आर्म्स, विदाउट एनी हार्म ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टीज। याद रखिए इस चीज को यार, क्योंकि तुम जा रहे हो देश की सेवा करने, ठीक है? तो आप प्रोटेस्ट करिए, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए, आप हाई कोर्ट के अंदर जाइए, हर जगह आपके दरवाजे खुले, क्योंकि जब प्रोटेस्ट बड़ा हो जाता है ना तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है? तो प्रोटेस्ट करिए, जहां आपको लगता है कि यह सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, गलत है, तो वहां पर जाइए, आपको पूरा पूरा स्वतंत्र, पूरा पूरा अधिकार मिला हुआ है उस चीज के प्रति, ठीक है? तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि यार देखो, हर चीज को पहले अच्छे से देखो, एंड जो चीज आपको बिल्कुल, आप लोगों के पास एक डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हो, लोकतंत्र, जनता का शासन है, तो अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो आप उसके अंदर जाइए। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।